अलीगढ़ के जवां घासगढ़ी गांव में एक दबंग परिवार ने अनुसूचित जाति के युवक की घुड़चढ़ी की रस्म होने से रोक दी। घर के बाहर दरवाजे पर खड़े हो गए और कहने लगे कि यहां से बारात नहीं निकाली जाएगी। बारात में शामिल कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने ही सामने बारात चढ़त की रस्म को पूरा कराया और इस मामले में ग्राम प्रधान के चार बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं प्रधान द्वारा उनके परिवार पर लगाए गए बारात को रोकने की बात को नकारा गया। उनका कहना है कि उनके परिवार द्वारा बारात को नहीं रोका गया, कहा कि उल्टा बारातियों ने ही बारात देख रही बहू के साथ छेड़छाड़ की। वहीं पीड़ित पक्ष लगातार ग्राम प्रधान व अन्य लोगों पर बारातियों संग मारपीट का आरोप लगा रहा है। इस मारपीट के बाद गांव में भी सन्नाटा देखने को मिला। वहीं पीड़ित परिवार ने बेटी के बारात के साथ हुई इस मारपीट की घटना का रो रो कर दर्द बयां किया। कल को ना ये बताओ क्या हुआ है तुम्हारी यहाँ शादी में? बारात रुक गई थी, लड़ाई हुई थी और उनने ये कही थी मतलब दलितों की बारात है, हम चढ़ने नहीं देंगे। उनकी हमें पता नहीं है कि कौन बिरादरी के लोग थे। अच्छा। हाँ, किसकी शादी थी? मेरी बहन की छोटी की। क्या हुआ वहाँ? लड़ाई हुई थी, बहुत मारपीट करी थी। हाँ, उनने बारात लूटने के मतलब इरादा करे थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई करी। क्या हुआ? और फिर उसके बाद मारे तो है ये वो और चले गए बेचारे भूखे प्यासे, गाड़ी भी न जाने दी उनकी, गाड़ी मतलब चाबी छुड़ा ली। वो वीडियो बना रहे तो उनको फ़ोन छुड़ा लो, उनने फ़ोन छुड़ा के फेंक दो। कौन लोग? हम जाटो जी। वो लोग कौन है सब जिन्होंने मारपीट करी है? वो मतलब सब बिरादरी के ही इकट्ठे जाते हैं, और बिरादरी भी थे और अपनी बिरादरी भी थे, सब थे। क्या हुआ था यहाँ पूरा? मेरा यहाँ ऐसा भाव का हमारी बारात चढ़ के आ रही तो मेरी बारात को रोका राखी करिए, जो कह दे हम दलितों की बारात चढ़ने नहीं देंगे। तो मेरी बारात को बारात चढ़ने ना दई तो मेरी बारात को कट्टा भी हैं और डंडा भी हैं, और बारात मेरी मारी खूब है, पीटी खूब है, खूब मार पीटी है मेरी बारात। एक आदमी ऐसा मारो को आश्रम बत्ती है, अब बताइए किसी के लाल को मारो हो जाए, किसी को मारा जाए तो अच्छा लगेगा। बारात को जो मारा है कि दलितों की बारात हम चढ़ने नहीं देंगे यहाँ पे, आप लॉज में घुसने ना दे बारात, बाहर के लिए बाहर के बाहर मारिए, डंडन तो खूब पिटाई करिए। किसकी शादी थी? मेरी बेटी की छोटी की। आपको 5 बेटियाँ? और ये जिसकी शादी थी वो कौन सी थी? रसीलगढ़ में। कौन से नंबर की थी? 5वीं लास्ट। अच्छा, कहाँ से बारात आई? बारात आई है रसीलगढ़ के पास हो गए झोरे माँ के, वहाँ पे आई है बेटी। ऐसे कर मेरी बेटी भी आई है, वहाँ इन्हें मारपीट करी है तो मेरा कम से कम ना गरीब आदमी कैसे उकाटे को पता, साठ साठ पूरा तुम जानो कितना बेटी गरीब आदमी तो सभी रास्ता तो सभी देता है, पूरा सब फेंको कल खाना भी नहीं खा। मेरी बारात भूखी चली गई, मारपीट कर दी और बगैर धोती गई, एक धोती जो पहले ला के दी बिछौरिया ने वो लहंगा चुनी देता का भाई भी हमारे डाल दिए, नहीं मारो गड़ो न कछु गड़ो, और सादा हमारे बेटी की जो घुमाए को बैठा दिए गाड़ी, और अभी गाड़ी उनके यहाँ खड़ी है, अभी गाड़ी खड़ी है आश्रम में खड़ी है गाड़ी। गाँव मोबाइल छीन लो बारात को, वो वीडियो बना रहे, ऐसे वीडियो बनाते ना मोबाइल से तो वीडियो बना रहे, तो गाँव के मोबाइल छीन लो और गाड़ी की चाबी छीन लिया। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट करी? हमें नाम है देवेंद्र का छोरा काला हुआ, सचिन सचिन है, सचिन है द्वार भी रखे, अब गे द्वार पकड़ जाएंगे तो स्वर्ग में पला जाएगा। कौन जाति के हमारे बाग में तो जाते हैं जाटवन में, जाटवन जाटव तो आप है ना? हाँ जाटव हम मारपीट करी है। वो कौन लोग? गो अपनी बिरादरी है, गोपन बिरादरी है और माँ चौराहे पे है, सब जाते हैं। अच्छा, जो आरोप आपने FIR कराई है गांव के प्रधान के खिलाफ? हमने ना करवाई, हमने काउ का ना आना लो, नहीं प्रधान को लो और नहीं काउ को लो, हमने न्यू हमें तो मुझे कोई बात है। जो बरातियन ने जो बरातियन ने मारे पीटे या घोसे करे बरे, वो बेटा वारे ने करो, हमने काउ को नाम ना लो।
अभी तक का ना लो कि देवंदर का थोड़ा छोरा सचिन है छोटो ग्वाने मारो पीटो डाली रख रही है बाकी हाफ लेकर पहने और द्वारा नबी रखे अब जे दो पकड़ जाएंगे तीन तो कि सबको ही नाम आ जाएगा क्योंकि जब डंडा पत्तना पटा बाजे तो कहते सबको ले लेते हैं। तो कुल मिला के आपकी बारात रोकी गई आपकी? हाँ मेरी बेटी की बारात रोकी है। बारात लूट वे राधा करे मतलब सामान लूट वे चुरा लिए पर और गुतंजों को पुलिस सवारी बुला ले थाने के चौकी के थाने के चौकी के जब बारात गाड़ी गाड़ी बचा पाए ना गाड़ी बारात लूट ले जाते पूरे भाई डाले है। अंजलि यादव। अंजलि ये बताइए आपके ससुर के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने दलित की बारात रोकी, क्या मामला है? नहीं झूठ बोल रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे बाहर खड़ी होके बारात देखने आई थी तो आदमी यहाँ पे आके मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, तब मैं चिल्लाई तब मेरे घर वाले बाहर निकल के आए थे। उसके बाद में क्या कहते हैं मार तोड़ करने लगे आके घर पे, सबको पीटने लगे, अंदर घुसने की कोशिश करी सब ने, मारपीट बहुत करी थी। आपके साथ छेड़छाड़ की थी? हाँ। आपने तहरीर दी है पुलिस को? नहीं। हाँ करिए। अच्छा क्या हुआ क्या है ये पूरा मामला? बारात आई थी मैं बारात देख रही थी खड़ी होके और मेरे पास आके यहाँ पे छेड़खाड़ करने लगे, तब मैं चिल्लाई तो मेरे घर वाले बाहर निकल के आए थे और सब सो रहे थे ना तो इसलिए मैं बाहर निकल के बारात देखने लगी। तो आपके ससुर के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बारात रोकी दलित? नहीं झूठ बोल रहे हैं क्योंकि तो सब सो रहे थे, मैं तो खड़ी होके देख रही थी तो मेरे साथ छेड़खान हुई तब मेरे घर वाले बाहर निकल के आए थे। तो ये आरोप गलत है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश गुप्ता। मुकेश जी प्रधानपति हैं आप? प्रधानपति। और आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए, क्या मामला क्या है? ये मामला है कि मैं तो अंदर घर में सो रहा था, शादी यहाँ बारात आ रही तो हमारे बेटे की बहू यहाँ वो देख रही जाली से अपनी गेट लगाकर, तो कछु लोग उनमें से घर में घुसकर जाली तोड़ कर घर छेड़छाड़ की, घर में घुस के हमें खुद जब जब चीख चकार चली उसकी हमारे बेटे की बहू की तो हम घर से भागे। घर से भागते हुए जब देखा चीख चकार तो यहाँ कम से कम 10-20 बरातियाँ हमारे घर पे तारा तोड़ लातों से और जालियाँ तोड़ रहे हैं, जाली टूटी गई है। तो जब ये उनने मैं निकला तो मैं खुद गिरा लिया, गांव बस्ती वालों ने आके मैं बचाया। वहाँ में जब सबरे घर के जब बेटी की इज्जत लुट रही है, हमें ऐसी से मतलब क्या है भाई, 11:30 बज रहे होते टाइम होता तो हमें क्या मतलब है ऐसी की बारात कुछ करनी थी। तो क्या आपने बारात रोकी थी उनकी? कभी नहीं, पूरे गांव की इनकारी कर लीजिए और पास करो, हमारा तो कोई मतलब नहीं है, ऐसी नहीं तो प्रधान बनाया हूँ, मुझे क्या मतलब है? हमारे यहाँ आज तक इतनी बारात चढ़ी है, हमें आश्रम ठीक सामने है हमारे, ये भी नहीं है कि हम दूर जाकर रोकेंगे। आपके घर में छेड़छाड़ हुई, आपने कोई FIR करवाई है? हाँ तहरीर लिख के दिया मन थाने में। क्या हुआ FIR हुई नहीं? हाँ भाई सल नहीं है जी सर, अब आप जाएंगे आज। तो जो आरोप लगा रहे हैं ये क्या आरोप है? बिल्कुल झूठा आरोप है, पूरी इंक्वायरी की है, उनके पापा से बात कराई मैंने लड़की की से, उनने कही CO साहब करके जाँच ले गई हैं, SSP साहब आए हैं, SO साहब आए, मैं विधायक का लड़का हूँ कि मैं साले यूँ कर दूँगा यूँ कर दूँगा, हमने तो कुछ अपने मुँह से नहीं किया, गांव के ये पड़ोसी हैं जाटव लोग हैं तो ये तो बता सकते हैं कि ये प्रधान ऐसा है। तो क्या आपने बारात रोकी है? नहीं, नहीं रोकी कभी नहीं। लड़की का बाप बता दिया। और वैसे सर कुछ जो कमजोर लोग थे दलित समाज के उनके उन्हीं की बिरादरी के दबंग लोगों के द्वारा जो है मतलब कहीं बारात को नहीं चढ़ने दिया गया और बारात के साथ मारपीट की गई, इस तरह की घटना आई है सामने, क्या है मामला? एक जमा थाने के खासगढ़ी गाँव में एक मामला सामने आया था कि कुछ लोगों में एक बारात को ले जाने के दौरान वाद विवाद हुआ था, इसमें कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हो गई थी। घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जमा थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया है, इसमें विवेचना की जा रही है और जैसी विवेचना में साक्ष्य संकलन पूरा हो जाएगा इसमें कार्रवाई की जाएगी। अच्छा तो क्या पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई? अभी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, CCTV देखे जा रहे हैं, तकनीकी साक्ष्य और जो है लोगों के बयान लिए जा रहे हैं, जैसे ही पूरी कार्रवाई ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिसके यहाँ बारात आई थी उस बच्ची की माँ का कहना है कि ये गांव के लोग दबंग हैं, उन्हीं की स्वजाति के लोग हैं, उन्हीं की बराती के लोग हैं, दबंग टाइप के लोग हैं, और कहीं कहीं पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर पा रही। आज इस बात को तीसरा दिन हो गया है। देखिए, इन सब मामलों को, इन सब बातों को भी देखा जाएगा। पूर्व में अगर कोई आपराधिक इतिहास है या कोई ऐसा चाल चलन ठीक नहीं है, इन सब बातों को भी संज्ञान में लिया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जब इसमें साक्ष्य संकलन पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट दर्ज हो गई, FIR पंजीकृत हो चुकी। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।